हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। नए साल का नया ब्लॉग, इसके पहले जो ब्लॉग गया था वो 31 का था। न्यू ईयर का ये पहला ब्लॉग है, ये 1 तारीख का ब्लॉग है, न्यू ईयर का फर्स्ट दिन का। लेट जा रहा है क्योंकि मैंने एडिटिंग नहीं कर पाई थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी। अभी भी देख रहे हो आप लोग मेरा गला बैठा है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो सोचा आज मैं एडिटिंग करके डाल देती हूँ क्योंकि 1 हफ्ता हो चुका है, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। बड़ी मुश्किल से गर्म पानी पिया ना तो इतनी आवाज़ निकल रही है, गला बैठ गया, सर्दी हो गई, तो मैं नहीं कर पाई थी एडिटिंग इसकी। नहीं है, रहने दो रहने दो, आ जाओ जाओ आ जाओ जाओ। ए पकड़ो ना, आंटी मुझे अरे पकड़े, जा रहे थे दूसरे मंदिर, आ गए दूसरे मंदिर। नए साल की शुरुआत मंदिर से ही करनी चाहिए। आ गए हम लोग गणपति जी के मंदिर। अच्छा हाँ, आए हैं यहाँ पे, याद आ गई, बहुत साल पहले। आजकल मंदिरों के दर्शन मुझे बहुत साल पहले हो रहे हैं, नई साल पे। नई साल की शुरुआत हम लोग मंदिर से ही करते हैं, तो अभी हम लोग आए हैं पूरी फैमिली के साथ गणपति बप्पा के मंदिर। जाने वाले थे दूसरे मंदिर, शिव जी का मंदिर था जो बीच पे, वहाँ जाने वाले थे, लेकिन आधे रास्ते से रिटर्न आ गए। इतना ट्रैफिक था कि शायद जाते जाते हम लोगों को रात हो जाती, तो रिटर्न आ गए वहाँ से। फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं गणपति बप्पा के मंदिर में, करेंगे दर्शन। भगवान इस साल सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ भर दें। ये साल सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, जो भी दुख तकलीफ गम दुख बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो सब दूर हो जाए। नई साल की नई शुरुआत, नई सिरे से खुशियों के साथ हो, और जो चीज़ें उस साल हम लोग पूरी नहीं कर पाए वो इस साल पूरी हो जाए सब लोगों की, और आप लोगों के साथ साथ मेरी भी। अरमान तो सबके होते हैं लेकिन पूरे कुछ ही लोगों के होते हैं, और होता है ना कितना भी भगवान दे दें लेकिन कमी तो हमेशा रहती है, तो वो तो कभी पूरी होने वाली नहीं है, तो संतुष्टि तो मिलने वाली नहीं है, इसलिए जो है जितना है उसी में खुश रहें। भगवान जिसको सब कुछ देते हैं वो भी दुखी होते हैं, इतनी सालें बीत गईं पता भी नहीं चले। सन 2023 आ गई, देखो अभी 24 आ जाएगी, 25 आ जाएगी, ज़िंदगी की एक एक दिन कम हो रही हैं, तो इसलिए जो वक्त मिला है ना उसे जी लो। वही मैं इनसे बात कर रही थी कि देखो सन 2005 था एक टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी, आज 23 हो गया, पता भी नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। इतने बड़े बड़े बच्चे भी हो गए, समय नहीं पकड़ सकता कोई भी, वो तो चलता ही रहता है, इसलिए वक्त है उसको कोई थाम तो सकता नहीं है। दर्शन तो हो गए गणपति बप्पा के, और अब हम लोग यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर। जाने वाले थे अक्सा वाले मंदिर पे लेकिन नहीं गए क्योंकि वहाँ पे ना रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, तो हम लोग रिटर्न आ गए, रास्ते आधे रास्ते से रिटर्न आ गए, क्योंकि जाते जाते कम से कम बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसकी वजह से हम लोग फिर गए नहीं वहाँ पे। फिर गाड़ी रिटर्न कर ली और रास्ते में जो मंदिर था यहाँ पे गणपति बप्पा का, फिर यहाँ आ गए हम लोग। सोचा चलो यहीं पे दर्शन कर लेते हैं, भगवान है कहीं भी दर्शन कर लो, भगवान सब जगह एक ही होते हैं। वहाँ पे शिव जी का था, ये गणपति जी का है, तो यहाँ पे दर्शन हो गए। फोटो तो खिंच गई है,
अब क्या बोलना चाहोगे मेरे ब्लॉग में? आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, पूरी यूट्यूब फैमिली को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो, बोलो हैप्पी न्यू ईयर। बोल दिया, हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया ना? ठीक है। मंदिर में दर्शन किए, फिर वहीं मंदिर में ही गार्डन था तो वहीं हम सब लोग बैठे थे, ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रहे थोड़ा बहुत। उसके बाद अभी निकल रहे हैं, देखो अभी कहाँ जाए भी कुछ प्लान नहीं है, कहाँ जाना है। बच्चों से पूछ रहे कहाँ चलो, तो बच्चे बोल रहे मम्मी समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, क्योंकि आज के दिन ना सब जगह भीड़ मिलेगी। चलो अब कहाँ पे चलोगे लेके? मैंने पहले फुल शर्ट पहना है, फोल्डिंग के मतलब। अब कहाँ चलोगे लेके? कितना हुआ आंटी? 40 दे दो। नहीं मैंने नहीं दिया। वहाँ से निकले तो एक दो जगह गए तो दूर से देखा बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जाना कैंसिल कर दिया, वहीं बाहर ही खड़े हैं, अंदर नहीं है। तो यहाँ पे लगी थी पानी पूरी की शॉप, तो बस पानी पूरी देख के तो मुँह में पानी आ ही जाता है, तो हम सब लोग उतर आए पानी पूरी खाने के लिए। ये नहीं खाते, इनको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये निकल गए, बोलने लगे तुम लोग खा लो फ़ोन करना मैं आ जाऊँगा, इसके बाद बताना जहाँ पे वहीं चलूँगा। तो बच्चे लोग इतने थके हुए हैं कि उनको खुद नहीं मन कर रहा जाने का, क्योंकि गाड़ी में ही थक गए हैं बैठे बैठे, और ट्रैफिक होता है ना तो गाड़ी दौड़ती खाएँ वो तो रेंगती है ना, तो बोर होता है बहुत, उसी में ऐसा लगता है कि अब कहीं जाओ ही मत, वो रेंगती रहती है ना रोड पे, तो फिर जाने का भी मूड बदल से जाता है, फिर मूड ही नहीं करता कहीं आगे जाने का। तो वही ये लोग बोल रहे हैं कि जो कुछ खाना पीना है बस मैं यहीं खा लूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे सीधे घर जाके सोना है बस अभी। कर रहे हैं कॉमेडी, डांस भी कर रहे हैं और डांस के साथ साथ हम लोग मस्ती मजाक भी कर रहे हैं। ये लोग पता कौन है आप लोगों को बता देती हूँ, ये हैं मेरे पड़ोसी जेठानियाँ लगती है मेरी, और ये ननद है उनकी ननद, तो मेरी भी ननद है, तो उन्हीं लोगों के साथ मैं कर रही हूँ। ऐसे ही कभी कभी मन करता है ना कि थोड़ा सा इंजॉय करें, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं और एक दूसरे को छेड़ भी रहे हैं। लेडीज लेडीज, यहाँ तक कि हम लोगों ने प्रिंस को भी निकाला है बाहर, पड़ोस में बैठा है प्रिंस अवे के पास में, मैंने बोला जाओ, बोल रहा है मम्मी मैं कब आऊँगा घर पे, तो और ये आई थी, इनको भी मैंने बोला अभी मत आना, दो तीन घंटे बाद आना, मैं फ़ोन करूँगी जब, तो दो बार फ़ोन आ चुका, मैं आऊँगा मैंने बोला आधे घंटे और बस, क्योंकि यहाँ मुझे कोई नहीं चाहिए। हम लोग इतनी मस्ती कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं कि हंस हंस के हम लोगों की आंसू आ गए, इतनी कॉमेडी करी इस दिन, ये दिन ना हम लोगों को हमेशा याद रहेगा कि हाँ न्यू ईयर पे हम लोगों ने कितना सारा इंजॉय किया था घर पे ही। और मैंने लाइट बंद कर दी थी, मैंने डिस्को लाइट लगा दी थी, तो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, वो वाली लाइट जलाती तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था, ये वाली लाइट में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं इतना डांस की डांस कम मस्ती ज़्यादा, आवाज़ मैंने इसकी वजह से म्यूट कर दी कि कॉपीराइट आ जाएगा इसकी वजह से, तो मैं अभी थोड़ा सा खोल के आपको सुनाती हूँ कि देखो कितना सारा मस्ती कर रहे हैं हम लोग। दे
देखा आप लोगों ने कितनी मस्ती कर रहे हैं हम लोग, डांस तो बिल्कुल ही नहीं पर मस्ती कर रहे हैं। एक साल का पहला दिन है, इतने हंसे आज हम लोग, इतने हंसे कि शायद कभी भूलूंगी नहीं ये साल का पहला दिन। और ये देखो मेरी ननंद की बेटी है, देख रही है, तो मैंने उसकी तरफ भी कैमरा लगाया, बहुत क्यूट है। इधर हम लोग डांस वगैरह कर चुके, फिर गौरी गई अपनी फ्रेंडों को लेके आई कि चलो हम लोग सब डांस करते हैं। तो आज है ओनली लेडीज पार्टी और बच्चों की पार्टी। बच्चे लोग बोल रहे हैं आंटी हम ऑलरेडी डांस कर चुके हैं, सुबह से कर रहे हैं क्योंकि ट्यूशन में पार्टी रखी थी, तो वहाँ जब ख़त्म हुआ तब ये लोग बाद में यहाँ पे आए हैं, तो बोल रहे हैं आज सुबह से हम लोग कंटिन्यू डांस कर रहे हैं। तो ये बच्चे लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं, तो हम लोगों को ना और अच्छा लग रहा है कि चलो अभी हम लोग तो कर चुके हैं, हमारा टाइम ख़त्म हो गया, अब इन लोगों का टाइम आया डांस करने का बच्चों का। सारा किया डांस और अभी हम लोग खा लेते हैं खाना। खाना घर पे नहीं बनाया था, बाहर से मंगाया, अभी भी ये लेके आए हैं, तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं और इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करते थे। मैंने मंगाई है वेजिटेबल बिरयानी और दाल खिचड़ी, यही सब मंगाया है, दो तीन आइटम मिक्स करके। तो चलो इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग भी खा लीजिए खाना और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हैप्पी न्यू ईयर।